मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना संक्रमण के चलते नगर पालिका ने जुगाड़ की कोरोना स्प्रे मशीन तैयार की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के वेस्ट पड़े डामर टैंकर का उपयोग किया है। पुल्ली में प्रेशर पंप लगाया और तैयार कर ली कोरोना वायरस स्प्रे मशीन। अब एक दिन में कर रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर तक स्प्रे। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इस बात को साबित किया है खरगोन नगर पालिका के कर्मचारियों ने। जी हाँ, स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते ने बताया कि पीडब्ल्यूडी में डामर बनाने का एक टैंकर व्यर्थ पड़ा था। इस पर पुल्ली तो थी पर उसमें मोटर पंप नहीं था, और हमने उसमें एक मोटर पंप और दो स्प्रे पंप लगाए। हमने स्प्रे पंप के रूप में उपयोग करना शुरू किया। कोरोना से बचाव के लिए शहर में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। एक घंटे में 4 से 5 किलोमीटर तक यह कवर कर रहा है। इसका टैंकर 2500 लीटर का बना हुआ है। एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर तक स्प्रे किया जाता है। इससे करीब 10 से 15 लाख रुपए की बचत की गई है। प्रेशर अच्छा होने से शहर का बहुत बड़ा क्षेत्र सैनिटाइज किया जा रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये छिड़काव के लिए हम लोगों के द्वारा पूर्ण का जुगाड़ किया गया है। असेंबली नई उसमें लगाई है, मशीन पुरानी है। ये पहले कभी इमरजेंसी छिड़कने के काम में आती थी, उसी टेक्निक के ऊपर हमने स्प्रिंकलर लगाए हैं इसमें, और रोड के दोनों साइड चल रहे हैं। ये मशीन बीच में चलती है, जैसे संपूर्ण रोड कवर हो रहा है। आज से चालू की गई है? आज से ही चालू की है और जन सहयोग से चालू की है। ये पूरे शहर में इसका छिड़काव? पूरे शहर में कर रहा हूँ। क्या शुभ नाम सर आपका? कमल सिंह पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।